Hey guys, my name is Sandeep Kesarwani, Faculty of English. तो एक बार फिर से आपके लिए अगली क्लास पार्ट नंबर 4, टॉप 10 स्पेशल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. डेली बेसिस पे 2:30 बजे आप मेरे साथ इस क्लास को देखते हैं और अपनी इंग्लिश के एक एक रूल्स को मिसलेनियस कॉन्सेप्ट के तहत लर्न करते हैं, सीखते हैं. आज के इस सेशन में थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न किया है. अभी तक पार्ट 1, 2 और 3 में हम कॉन्सेप्ट पहले बताते थे और सेंटेंसेस बाद में देते थे. आज के सेशन में सेंटेंसेस पहले होंगे और कॉन्सेप्ट फिर हम उसी सेंटेंस से निकाल के आपसे डिस्कस करेंगे. तो दोनों प्रकार की चीजें आज का जो सेशन है वो एग्जाम पैटर्न पे हो जाएगा, सेम टू सेम. सो गाइज, शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अनअकैडमी के थ्रू जो एक धमाकेदार ऑफर चल रहा था जिसमें 1 साल की वैलिडिटी पर 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा था और 2 साल वाले वैलिडिटी पर 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा था, ये ऑफर खत्म होने वाला है. तो आज रात 12 बजे से पहले कोशिश करिए कि ये सब्सक्रिप्शन आप ले डालिए, क्योंकि ये ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है, या तो आज रात 12 बजे या कल. सो कोशिश करिए खत्म होने से पहले आप इसका फायदा उठाइए, क्योंकि 2 महीने का मतलब होता है 1000 रुपए का प्रॉफिट और 4 महीने का मतलब होता है 2000 रुपए का प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलेगा आपको. सब्सक्रिप्शन ले डालिए, इस ऑफर को अवेल कीजिए, कोड लगाइए संदीप12, ठीक है. सारे न्यू बैचेस जो स्टार्ट हुए हैं सभी सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट्स मेरे भाइयों, ऑल सब्जेक्ट्स फाउंडेशन सब मिलेगा. सो कोड संदीप12 ही इस्तेमाल करें दोस्तों, ठीक है. अनअकैडमी का संडे कॉम्बैट होता है, उसको में भी पार्टिसिपेट करें और जीतें एक्साइटिंग प्राइजेस, ठीक है. आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया. सेशन आज का थोड़ा शॉर्ट होगा लेकिन पूरे 10 कॉन्सेप्ट्स आप सीख के जाएंगे. सेंटेंस कहता है ही टोल्ड हर, ही ने उससे कहा. आपने पास्ट का सेंटेंस शुरू किया, ठीक है, दैट ही हैड ऑलवेज सीन हर. नया सब्जेक्ट ही, फिर हेल्पिंग वर्ब, हैड के अनुसार थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब के पहले ऑलवेज. अभी तक बिल्कुल सही जा रहा है. ही हैड ऑलवेज सीन किसको, हर, उसको, कैसे, विद हिज माइंड्स आई, अपनी आंखों, अपने माइंड की आंखों से, आंख से. तो माय डियर एस्पिरेंट्स, यहां पर इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस एरर फ्री था, इसमें कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस था. कैसे चेक कर लिया ना आपने, ही हैड टोल्ड, ही टोल्ड हर, ही ने उससे बताया कि, तो जो बताया, बताया जो चीज वो उसके पहले घटित हुआ, इसलिए इसको पास्ट का परफेक्ट बनाया गया और बाकी सारे पार्ट्स बिल्कुल सही रखे गए, कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में. अतः इस सेंटेंस में नो एरर आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक. लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 2. ध्यान से करिएगा एक एक कॉन्सेप्ट. ऑल दी फ्लावर्स, सारे के सारे फूल, इन हिज गार्डन, उसके बगीचे में, विल श्योरली डाई, पक्का मर जाएंगे, बिफोर द रेन विल फॉल, बारिश होने से पहले. सो इसमें क्या लगता है, क्या होना चाहिए दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए क्विकली. बिल्कुल सही कहा आपने, किसी एक सेंटेंस की 2 क्लॉजेस अगर फ्यूचर की बात करे तो जहां पे कंजंक्शन लग जाता है उस साइड आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना पड़ता है. तो कंजंक्शन हमारा यहां पे लगा हुआ है तो ये आपका फ्यूचर नहीं हो सकता. अतः विल फॉल में से विल हटाइए, केवल फॉल ही सही आंसर होगा. बिफोर द रेन्स फॉल, बारिश होने से पहले, ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन विल श्योरली डाई, पक्का बगीचे के सारे फूल मर जाएंगे. तो यहां पे दोस्तों विल फॉल नहीं बल्कि केवल फॉल होना चाहिए. रेन्स प्लूरल है अतः प्लूरल वर्ब फॉल आएगा. अगर ये केवल रेन होता तो ये फॉल्स हो जाता, फॉल्स, ठीक है. ऐसा केवल रेन नहीं है, रेन्स है इसलिए ये फॉल होना चाहिए, ठीक. लेट्स हैव क्वेश्चन 3. द डॉग आई हैव बॉट, वो कुत्ता जो मैंने खरीदा, लुक्स मोर फेरोशियस देन यू हैव. इसका आंसर दीजिए क्विकली एवरीवन. एग्जैक्टली, कॉन्सेप्ट तो वही है ना यार. द डॉग, वो कुत्ता, आई हैव बॉट, जो मैंने खरीदा. तो मैंने कितने डॉग परचेज किए, केवल एक, सिंगल, सिंगुलर डॉग परचेज किए, सिंगल डॉग परचेज किया. वही कुत्ता बहुत ही ज्यादा फेरोशियस दिखता है, लुक्स मोर फेरोशियस. अ मोर प्लस फेरोशियस एडजेक्टिव किया तो कंपेरेटिव डिग्री आया, आगे देन लगाओगे और कंपेयर करोगे तो मेरा वो खरीदा हुआ डॉग तुम्हारे डॉग से ज्यादा मोर फेरोशियस दिखता है. तो देन यू हैव क्या, ये तो मेंशन करो कि देन यू हैव मतलब जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास क्या, कुत्ते से कंपेयर हो रहा है ना, उसका प्रोनाउन कहां है. तो आपको होना चाहिए लुक्स मोर फेरोशियस देन देन द वन, यहां पे लिखना पड़ेगा देन द वन यू हैव. अब ये द वन, वन जो है इस डॉग के लिए.
अगर ये डॉग की जगह डॉग्स होता ना, ये प्लूरल होता ना, तो हम यहां पर ओ एन ई एस लिखते, प्लूरल, लेकिन सिंगुलर है इसलिए नीचे सिंगुलर लिखेंगे, तो देन द वन यू हैव, ये करेक्ट आंसर है माय डियर एस्पिरेंट्स, ऑप्शन नंबर 30 कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4th, एवरीबडी हु वाज वॉकिंग इन दैट ऑफिस, प्रत्येक आदमी जो उस ऑफिस में काम कर रहा था, गेव अ डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन, एक अपने एक दिन की तनख्वाह दे दी अपने कंट्रीब्यूशन के रूप में, टू द डिपेंडेंट्स को ऑफ डॉक्टर सोनू के, हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी, जिसकी ड्यूटी पर मौत हो गई। इसमें क्या एरर है, सोचिए और जवाब दीजिए क्विकली, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल माय डियर व्यूअर्स, टेल मी वन थिंग, किसी भी सेंटेंस में अगर रोहन आया हुआ है तो हम रोहन का प्रोनाउन क्या लिखेंगे, ही, पजेसिव चाहिए तो क्या लिखेंगे, हिज, सिंगुलर यूज करेंगे ना। तो एवरीबडी हु वॉज वॉकिंग इन दैट ऑफिस, जो उस ऑफिस में काम कर रहा था, दिया एक दिन की तनख्वाह एज देयर कंट्रीब्यूशन, अपने कंट्रीब्यूशन के रूप में, देयर किसके लिए है, एवरीबडी के रूप में, एवरीबडी के लिए, तो एवरीबडी तो यहां पर सिंगुलर हुआ ना, सिंगुलर के लिए देयर क्यों लगा रहे हैं आप, सिंगुलर के लिए देयर आएगा नहीं ना, तो हमें एवरीबडी का प्रोनाउन चाहिए, एवरी शब्द जिसके साथ जुड़ जाता है वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर ही प्रोनाउन आता है, अतः यहां पर हिज यूज किया जाएगा, राइट, तो देयर की जगह हिज कर दीजिए, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। पांचवे पे आइए, दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रीफरेबल दैन दैट इन मेनी रेस्पेक्ट्स एंड इट्स प्रिंटिंग इज ऑल्सो कंपेरेटिवली गुड, इसका आंसर दीजिए। फटाफट जवाब दीजिए, फास्ट एवरीबॉडी, बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे भाइयों, दिस बुक, ये किताब है निसंदेह प्रेफरेबल किसी दूसरी चीज से, तो प्रेफरेबल के साथ देन नहीं आता, प्रेफरेबल टू होता है, प्रेफर टू, प्रेफरेबल टू, दोनों के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, आप देन लगा दिए, गलती इसी में है, टू नहीं, टू आना चाहिए, देन वहां पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए छठे नंबर क्वेश्चन पे आइए, द ऑडियंस विल फ्लॉक टू हिज कंसर्ट्स टू हियर हिम टू सिंग as they perceive a sense of purity and piquancy in his music that is hard to come by today, iska answer sochiye kya hona chahiye, sochiye fatafat aur jawab dijiye jaldi se, exactly exactly bhaiyo exactly, infinitive ke concept, kya baat hai, the audience will flock to his concert टू हियर हिम टू सिंग, टू हियर हिम, हियर के बाद आप टू सिंग नहीं लिख सकते, हियर के बाद आप टू सिंग नहीं लिख सकते, क्यों, आप लिख रहे हैं यहां पे द ऑडियंस विल फ्लॉक टू हिज कंसर्ट्स टू हियर हिम, आपका ये हो गया पहला इन्फिनिटिव जिसको हम फुल कहते हैं टू हियर, अब दूसरा इन्फिनिटिव तो बेयर होना चाहिए ना भाइयों, पहला फुल दूसरा बेयर, तो ये केवल सिंग होना चाहिए, टू हियर हिम सिंग एज दे परसीव अ सेंस ऑफ प्योरिटी, तो हमारा दो इन्फिनिटिव्स के आने पर पहला इन्फिनिटिव फर्स्ट इन्फिनिटिव होता है फुल एंड सेकेंड इन्फिनिटिव होता है बेयर, तो मेरे दोस्तों यहां पे बेयर इन्फिनिटिव लगाइए, ये सेकेंड है ये फुल है। ठीक है, चलो अगला अगले सवाल पे, इट इज बेटर टू से, ये बेहतर है कहना, एट होम देन टू वॉक इन द स्ट्रीट व्हेन देयर इरप्ट्स अ कम्युनल राइट इन द टाउन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दीजिए क्विकली एवरीवन, फास्ट, exactly, it is better to stay, it is better to stay at home, घर पे ठहरना ज्यादा बेहतर है, than to walk, it is better to stay at home than to walk, नहीं होगा than to walk, नहीं होगा than walk in the street होना चाहिए, comparison कर रहे हो ना, it is better to stay, full infinitive, दूसरा infinitive क्या होना चाहिए, तो infinitive के concept को कैसे mistake कर सकते हैं आप भाइयों, to को हटाइए जो than के बाद लगा हुआ है, correct answer हो गया। चलो अगले पे आओ, Under no circumstances we can help you in this illegal work, said the manager. इसका आंसर सोचिए क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिटरली बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिक ये है इसका कि अगर नो शब्द किसी सेंटेंस के किसी फ्रेज में लगकर सेंटेंस की शुरुआत कर दे तो हम उसके साथ लॉ ऑफ इन्वर्जन लगाते हैं, कई बार पढ़ा चुका हूं मैं इसको, तो लॉ ऑफ इन्वर्जन के तहत भाइयों आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा,
अतः ये वी कैन गलत है, ये कैन वी हेल्प होना चाहिए, कैन वी हेल्प यू समथिंग लाइक दैट। माय डियर एस्पिरेंट्स, आंसर आपका कैन वी। लॉ ऑफ इन्वर्जन, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन। नॉट ओनली वी लॉस्ट व्हाट ही हैड ऑन आवर डिस्पोजल बट वी ऑल्सो लॉस्ट आवर पेशेंस। क्या होना चाहिए इसमें? क्विकली एवरीवन, क्विकली एवरीवन, फास्ट, क्या बात है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका। कहता है कि डिड विल बी यूज्ड आफ्टर नॉट ओनली, क्यों? एंड लॉस्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू लॉस, क्यों है ऐसा है? आपने नॉट ओनली से शुरुआत किया, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि नो है, बस नो या नॉट दोनों का कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ इन्वर्जन चाहिए, पहले क्या चाहिए? हेल्पिंग हो। तो आपने जब पास्ट का बना रहे हो तो इसके बाद हेल्पिंग को पहले लगाओ ना यार। तो नॉट ओनली डिड वी, क्या नॉट ओनली डिड वी लूज LOSE व्हाट वी हैड, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा ना ऑन आर टूर, बट ऑल्सो वी लॉस्ट, बट वी ऑल्सो लॉस्ट आर पेशेंस, बन गया स्टेटमेंट। चलिए लास्ट में आइए, अंडर अ ट्री वॉज सिटिंग अ सेंट whom he we had seen somewhere else. Bahut simple question, iska answer dijiye, sochiye quickly fast. Exactly mere dosto, abhi under no circumstances tha, bal bilkul waise ye bhi phrase hai, under a tree, iske sath bhi inversion aata hai. To under a tree was helping of the sand, sahi hai, jisko we had seen, humne dekha tha kahin aur. Statement mein koi error nahi hai, this statement hai करेक्ट ऑप्शन, राइट एवरीबॉडी? तो ऐसे करके किया जाता है दोस्तों, स्पॉटिंग एरर इज एन आर्ट यार, कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करके स्पॉटिंग एरर को अच्छा कर सकती है। तो रेगुलर मेरी क्लास को देखिए, इस कॉन्सेप्ट के तहत आप बहुत सारे नए रूल्स सीख जाएंगे, ठीक है? माई डियर एस्पिरेंट्स, अनअकैडमी का जो नया ऑफर है वो ऑफर खत्म होने वाला है, खत्म होने से पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, SSC बैंक जो भी है आपका, आपको ये ऑफर फटाफट मिल जाएगा। एक साल पे 2 महीना एक्स्ट्रा और 2 साल पे 4 महीना एक्स्ट्रा पढ़ने का मौका बिना पैसे उसके दिए हुए, तो सोचिए कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सारे बैचेस मिल जाएंगे, बस कोड संदीप12 लगा लीजिएगा आप सभी, ठीक है? और ऑल सब्जेक्ट्स का एक बार ही पे करना होता है, मतलब सबके लिए अलग अलग पैसे नहीं देने हैं। SSC हो या बैंकिंग, जिसका जो गोल है उसको अपने गोल में सब्सक्रिप्शन लेके अपने हर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? मोबाइल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, मोबाइल नंबर से लॉग इन, फिर अपना गोल सेलेक्ट कीजिए जिसका जो भी है, ठीक है? तो गेट सब्सक्रिप्शन की बटन, कोड मांगेगा संदीप12 लिखकर अप्लाई कीजिए, 10% तुरंत डिस्काउंट हो जाएगा, जो फीस है उस पर क्लिक कीजिए, क्रेडिट्स आपके अकाउंट पे शो करेगा, रिडीम कर लीजिए और फिर फाइनल पेमेंट आप फटाफट कर लीजिए, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस है हमारे साथ जुड़ने का। संडे को कॉम्बैट है, फ्री कॉम्बैट, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, इनरोल कीजिए इससे, और क्लास का रेगुलर हिस्सा बनिए, ठीक है? तो फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए और आज से ही क्लासेस शुरू कीजिए। Thank you very much for watching this video. Thank you.